Next question. Question says a force F1 acts on a particle so as to accelerate it from rest to a velocity V. If force F1 is then replaced by F2 which deaccelerated to rest, तो सवाल ये कि एक पार्टिकल रेस्ट पे था, F1 ने उसे दौड़ाया V वेलोसिटी तक ले गया और उसके बाद F2 अप्लाई हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, उसको वापस रेस्ट पे ले आया. अब हमें F1 F2 के बीच में क्या रिलेशन होगा उसके ऊपर डिस्कशन करना है. तो पहला वो ऑप्शन है अपना F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, दूसरा है F1 मे बी इक्वल टू F2, तीसरा है F1 जो है मस्ट बी अनइक्वल टू F2, तीसरा है नन ऑफ दीज. नाउ इस केस में क्योंकि हमें टाइम नहीं दिया हुआ है, सो सिनेरियो ये है कि पार्टिकल आपका यहाँ से चला, F1 फोर्स अप्लाई हुआ यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ पे आपकी V वेलोसिटी आई, उसके बाद आपने F2 पीछे की डायरेक्शन में अप्लाई किया और पार्टिकल यहाँ पे क्योंकि V वेलोसिटी से था तो इसकी वजह से आपका एक रिटार्डेशन आएगा. पहले कोई A1 एक्सेलरेशन था, अब A2 रिटार्डेशन होएगा और मान लो यहाँ जाके कहीं रुक गया. राइट, अब हमें यहाँ पे इस सिनेरियो में ये S1 S2 बराबर हैं ये नहीं दिया है, टाइम T1 T2 बराबर है ये नहीं दिया है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि F1 जो है वो आपका F2 के बराबर ही हो. हो सकता है बराबर हो लेकिन हो सकता है बराबर ना हो. अब चार ऑप्शन में अगर देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है पहला F1 मस्ट बी इक्वल टू F2 ऑप्शन सही नहीं है, दूसरा F1 मे बी इक्वल टू F2 दैट कुड बी राइट है, ऑलराइट, तीसरा है F1 मस्ट बी अनइक्वल टू F2 है, सभी को सिनेरियो नहीं है, सो ऑप्शन बी F1 मे बी इक्वल टू F2 वुड बी द राइट आंसर.